नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं स्वाति, और आई नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। विभूतिपुर प्रखंड के कल्याणपुर उत्तर पंचायत स्थित ऐतिहासिक देता पोखर भीम अखाड़ा के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन की कुश्ती में कुल 28 जोड़ी पहलवानों ने दाव लगाया। वही रामप्रीत पहलवान व कमल पहलवान ने फीता काटकर दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा पूर्व पहलवान स्वर्गीय सुवाय पहलवान व स्वर्गीय बालेश्वर पहलवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में नेपाल, खगड़िया, बगहा, मुरादपुर, बनारस, गोरखपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर के पहलवानों ने दाव लगाया। प्रथम दिन 28 जोड़ी पहलवानों की दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में रामकुमार पहलवान, कमलेश पहलवान, अंगद पहलवान, पारस पहलवान, ऋषि पहलवान, राहुल पहलवान, भोला पहलवान, दिनेश पहलवान, दीपक पहलवान आदि विजयी रहे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता की आज प्रथम दिन की कुश्ती हुई। आज की कुश्ती के निर्णायक मंडली में रामप्रीत पहलवान व कमल पहलवान थे। वहीं दर्शकों को आंखों देखा हाल अमर जी सुना रहे थे। मौके पर कुश्ती कमेटी के अध्यक्ष स विभूति पूर्व उप प्रमुख रामनाथ राय, छात्र जदयू के जिला अध्यक्ष रणधीर कुमार, भाजपा के विभूति पूर्व मंडल अध्यक्ष अमन पराशर, कल्याणपुर उत्तर पंचायत के पूर्व मुखिया रणवीर कुमार विनोद, दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम प्रवेश राय, शिलवंत पहलवान सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।